नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली पड़ी राज्यसभा सीट किसी लोजपा नेता से नहीं भरी जाएगी। बीजेपी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। संख्या बल के आधार पर उनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार में उन्हें भाजपा ने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनके स्थान पर भाजपा के तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद के साथ रेणु देवी भी इस बार बिहार की उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव एलजेपी अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ रहकर लड़ा था। इस वजह से जदयू द्वारा एलजेपी उम्मीदवार को समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं थी। शायद यही वजह है कि एलजेपी को सीट देने के बजाय बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक चिराग पासवान चाहते थे कि पिता की जगह मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन चिराग मजबूर थे और भाजपा के कहने पर इस कड़ी में आगे बढ़ सकते थे। भाजपा के साथ भी मजबूरी थी कि अगर चिराग के लोजपा उम्मीदवार को समर्थन देती है तो जदयू के नाराज होने का डर था। मजबूरियों के इस सिलसिले में सबसे अधिक नुकसान तो लोजपा का ही हुआ है। बिहार चुनाव में जब से चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब से भाजपा ने भी उन्हें किनारे ही कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। आखिरकार चिराग को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। चिराग एक तरफ जेडीयू को आड़े हाथों लेते थे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते थे। उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान तक बता दिया था, लेकिन यह सब उनके काम नहीं आया। केंद्र में भी उनके गठबंधन में खटास पड़ गई है। बिहार विधानसभा में राज्यसभा के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 125 विधायक हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस एक सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। 2005 में जब एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला था, तभी सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 2010 में फिर से वह उप मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के लिए वो महत्वपूर्ण चेहरा थे। आपको बता दें कि हाल ही में दिवंगत हुए रामविलास पासवान केंद्र में खाद्य मंत्री थे। उनके निधन के बाद राज्यसभा सीट खाली हो गई है। उसी सीट के लिए चुनाव होना है। हालांकि लोजपा केंद्र में एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की थी और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर लोजपा सत्ता में आई तो 7 निश्चय योजना घोटाले में जो भी दोषी होगा उसे हम जेल भेजेंगे, फिर चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। हालांकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और सिर्फ एक सीट पर ही उसे जीत हासिल हो पाई। बहरहाल रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली पड़ी राज्यसभा सीट के लिए सुशील कुमार मोदी का नाम फाइनल हो गया है। भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।